तो आज मैं GTA 6 के बारे में आपको कुछ पांच चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता होंगी। तो इस साल के ख़त्म होने से पहले मेरे को 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं और मेरे को सिर्फ 18 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अपनी पहली चीज़ पे, जो कि है टॉमी वर्सिटी। क्या टॉमी वर्सिटी आ सकता है GTA 6 में? हाँ, वही वाई सिटी वाला टॉमी वर्सिटी, क्योंकि जो GTA 6 है वो भी वाई सिटी पे ही लोकेटेड है, जो कि GTA वाई सिटी में भी थी, तो इनके कनेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अपनी दूसरी चीज़ पे चलते हैं, जो कि है PC रिक्वायरमेंट। तो गाइस, अगर आप अब कुछ भी PC रिक्वायरमेंट जैसा सुनने वाले हो GTA 6 के बारे, तो समझ लो कि वो एकदम फेक है, क्योंकि GTA 6 पहले PS5 और Xbox पे आने वाली है, मतलब कंसोल्स पे आने वाली है, और वो कंसोल पे नहीं चलने वाली जैसे कि PS4। तो गाइस, तीसरी चीज़ ये होने वाली है कि GTA 6 का मैप जो होने वाला है वो GTA 5 से 2 गुना ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और शायद उससे भी बड़ा। और चौथी चीज़ है रिलीज डेट, मतलब कि मैं रिलीज डेट के बारे यही सोच रहा था कि ये अभी 2023 के एंड में आने वाली है, लेकिन ये 2025 में आएगी सीधा। और अगर आपको कोई रिलीज डेट दिखे तो समझ लो कि वो फेक है या फिर वो ऑफिशियल नहीं है। तो गाइस, हाँ, मतलब इतना ही बता पाया, और मैंने पहली बार ऐसी वीडियो बनाने की ट्राई की थी। और एक बार फिर से, जान से पहले मेरे को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे को बस 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं साल ख़त्म होने से पहले, और हो सकता है कि आपकी वजह से मेरे 500 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हो जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।